आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम मक्रम। पहले के ज़माने में साधु संतों का काम हुआ करता था कि जो समाज में बुराइयां फैली हैं उसे दूर किया जाए और लोगों के बीच में जा करके उन्हें समझाया जाए कि क्या चीज़ें बुरी हैं जिसके पीछे आपको नहीं जाना है। पर बीते कुछ सालों में जितने लगभग साधु संत हैं उनकी तमाम चीजें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। अब कौन कितना बड़ा कट्टर है इस बात की होड़ जो है वो हर जगह लग चुकी है और कौन कितना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल सकेगा इसकी भी होड़ लग चुकी है। तो वहीं कुछ साधु संत जो हैं वो धर्म संसद बुलाते हैं और धर्म संसद में खड़े होकर के मुस्लिमों के नरसंहार का ऐलान करते हैं। तो कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो लगातार इन लोगों की नीतियों के खिलाफ बोलते हुए भी दिखाई देते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से एक साधु की तस्वीर लोगों के सामने आई थी। पर अब फिर से साधु संतों का जो ग्रुप है विवादों के घेरे में है, जहां अब धर्म के ठेकेदार बनते हुए तमाम चीजों के लाभ को खुद ही लेना चाहते हैं, जिसके चलते अब ये मांग की जा रही है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को खत्म किया जाए। और दूसरा जिस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को ही बंद कर देना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से संतों ने अपनी धर्म संसद लगा करके ये मांग देश के प्रिय नरेंद्र मोदी जी से की है कि इन तमाम चीजों को खत्म कर देना चाहिए, जिसके बाद एक नया बवाल जो है वो देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से लोगों के दिलों में अब नफरत भर दी गई है मुसलमानों के खिलाफ, किस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। देश के संत समाज ने सरकार से अल्पसंख्यक मंत्रालय, वक्फ बोर्ड और फिल्म सेंसर बोर्ड को खत्म करने की मांग की है। साथ ही बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का सम्मान रखने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद कहा है। शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली में दिन भर चली संतों की इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्च की भूमिका, हिंदू धर्मचार्यों की छवि खराब करने के षड्यंत्र, धर्मांतरण, लव जिहाद, जीर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार सहित सनातन धर्म से जुड़े तमाम चीजें लोगों के सामने आई हैं। समिति की बैठक में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन के महाकाल मंदिर के कॉरिडोर के साथ साथ जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाकर हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद कहा है। ये समिति विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद, हिंदू धर्मचार्य और हिंदू धर्म की 127 से भी अधिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करती है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता महंत नवल किशोर ने कहा कि संत समाज की बात मानकर मोदी सरकार ने हिंदुओं की रक्षा की है और उनका सम्मान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी सरकार को समान नागरिक संहिता, विवाह का एक समान कानून, अल्पसंख्यक मंत्रालय, वक्फ बोर्ड, फिल्म सेंसर बोर्ड के साथ ही काशी और मथुरा के मामले में काफी कुछ करने की जरूरत है। महंत नवल किशोर वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद इस देश में सबसे अधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। संत समाज की सरकार से ये मांग है कि भारत सरकार अध्यादेश लाकर लीज पर दी गई जमीनों को वक्फ बोर्ड से वापस ले और इसके साथ ही वक्फ बोर्ड को हमेशा के लिए समाप्त भी कर दे। उन्होंने काशी और मथुरा में भव्य मंदिरों के निर्माण के साथ ही देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की। सेंसर बोर्ड की भूमिका पर एतराज जाहिर करते हुए महंत नवल किशोर दास ने भी कहा कि इस तरह के सेंसर बोर्ड को
पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। एक सनातनी और भारतीय सेंसर बोर्ड का गठन करना चाहिए जिसमें संस्कारवान लोगों को रखा जाना चाहिए। आदिपुरुष फिल्म को भारतीय संस्कार और परंपरा का विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस फिल्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। या तो सरकार इस फिल्म पर रोक लगाए या वो इस फिल्म को देश में कहीं भी चलने नहीं देंगे। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार भारत सरकार से ये पूछ रहा है कि इस देश में अल्पसंख्यक कौन है, भारत सरकार इसकी परिभाषा बताए। भारत सरकार लगातार राज्यों को पत्र लिख रही है कि अल्पसंख्यक तय करें कि बताएं। हमारा मानना है कि जहां अभी तक ये ही तय नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन है तो वहां अल्पसंख्यक मंत्रालय की क्या जरूरत है। काशी के ज्ञान व्यापी और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी संतों को बैठक में उठा। स्वामी जितेंद्र नारायण सरस्वती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये खुद का कहना है कि देर से मिला न्याय ही भी अन्याय की श्रेणी में ही आता है, इसलिए हमारी अदालत से मांग है कि इन दोनों मामलों में एक निश्चित समय सीमा के अंदर अदालत जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए। यानी कि जो धर्म संसद दिल्ली में संतों की चली उसमें ये साफ तौर पर कानून से और संविधान से इतने बड़े हो चुके हैं कि ये खुद कोर्ट को कह रहे हैं कि कोर्ट ही तय नहीं कर पाया है तो अल्पसंख्यक कौन है, तो फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय देश में क्यों बना हुआ है, इसे खत्म कर देना चाहिए। और दूसरा, अपना फैसला थोपने की कोशिश काशी और मथुरा पर कोर्ट के ऊपर करने की कोशिश इन लोगों द्वारा की गई है, जो कि कोर्ट अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाए। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर के जिस तरीके से विवाद लगातार बना हुआ है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच की जाएगी, तमाम चीजें उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा देखने को मिली, जहां से अब इसे राय का पहाड़ बना करके पेश करने की कोशिश की जा रही है और खासतौर पर वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से खत्म करने की मांग की जा रही है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की जा रही है तो वक्फ की जमीनों पर जो इलीगल चीजें बनी हुई हैं और धड़ल्ले से जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा चल रहा है, क्या देश के प्रधानमंत्री उनको भी खाली कराने का काम करेंगे जो जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है? क्योंकि तमाम तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं और ऐसे ही मुद्दों के ऊपर जोर दे करके साधु संत अपनी पूरी दुकान को चलाते हुए नजर आते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक नफरती प्रोपेगेंडा नजर आता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।